कभी सोचा है इस देश में गरीब कौन है? सच्चाई ये है कि इसका कोई पक्का पता ही नहीं है। ये कह दिया जाता है कि देश के 73% लोग, जिनमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनमें से ज्यादातर गरीबी में जी रहे हैं। लेकिन उनमें भी कितने समाजों में लोग कैसे जी रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, उनकी जरूरतें क्या है, यही जानने के लिए जातिगत और आर्थिक गिनती की जरूरत है। बिहार में जातिगत गिनती में पता चला है कि वहाँ की गरीब आबादी के 88% लोग दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के हैं। जी हाँ, 88%। पता है गरीब तबके की मासिक आमदनी कितनी है? 6,000 रुपए से भी कम है। इसी आय में खाना, किराना, दवाई सब। सारे देश की आर्थिक और जातिगत गिनती हो तो लाखों दर्द भरी कहानियां मिलेगी। आज भी देश की 200 बड़ी कंपनियों की टॉप पोस्ट तक एक भी आदिवासी, दलित और पिछड़ा नहीं पहुंचा, जबकि 85% मजदूर पिछड़े वर्ग से हैं। गूगल सर्च कीजिए कि किसी बड़े मीडिया चैनल का सीईओ या मालिक दलित, पिछड़ा या आदिवासी है, कितने पिछड़े वर्ग के जज है, और गटर में बिना मास्क लगाए उतरने वाले वो सफाई कर्मचारी किस समाज के हैं? देश में आपको दो हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। जब तक अपने हक का पैसा उस आखिरी गरीब तक नहीं पहुंचेगा, इस देश में दो हिंदुस्तान बने रहेंगे। पहला कदम होगा जाति जनगणना, उसके बाद आर्थिक सर्वे। भाजपा जातिगत और आर्थिक गिनती का कितना भी विरोध कर ले, पर देश के सबसे गरीब लोगों को तभी न्याय मिलेगा जब वे सही तरीके से गिने जाएंगे। जब तक जातिगत गिनती नहीं होगी, तब तक सरकार को आपके रोटी, कपड़ा और मकान की फिक्र नहीं होगी। जातिगत गिनती से ही आपकी पढ़ाई, कमाई और दवाई की सही योजना बनेगी। किसान, मजदूर और प्रवासी कामगारों, अल्पसंख्यकों की असली हालत पता चलेगी। आपके वर्ग की, समाज की समस्याओं की गिनती होगी, तभी उनका हल निकलेगा। सही आरक्षण मिलेगा, सही हिस्सेदारी मिलेगी, हक मिलेगा। जब इस देश को चलाने में देश के सबसे कमजोर समाज की आवाज सुनी और गिनी जाएगी, तभी ये देश तरक्की करेगा। इसीलिए जातिगत गिनती के लिए आज ही बोलना होगा, जी खोल कर बोलना होगा, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी ही तरह बिना गिनती, बिना हक के मुश्किल के अंधेरों में दम ना तोड़ दें।